राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज है जन्माष्टमी, मतलब कि 30 अगस्त का वीडियो, और मैं रेडी हो गई हूँ। सुबह के 8 बजे हैं और मैंने पहना है अपना 6 लेयर वाला मास्क, क्योंकि मैं इस समय जा रही हूँ बाहर और बहुत ही प्रिकॉशंस के साथ जा रही हूँ, क्योंकि मुझे आइडिया है कि आज के दिन वृंदावन में कितनी भीड़ होती है। सुबह सुबह मंगला आरती में मम्मी जी पापा जी गए थे, अभी पापा जी सिर्फ मुझे छोड़ने जा रहे हैं। तो वृंदावन में, मथुरा में, जन्मभूमि में जन्माष्टमी के दिन कितनी भीड़ होती है, इसका अंदाज़ा आप घर बैठे नहीं लगा सकते हैं, जब तक कि आप लाइव ना देख लें। तो आपने न्यूज़ में देखा होगा, आपने बहुत जगह देखा होगा। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि आज का आलम क्या था। कोविड कंडीशन के बावजूद इतनी ज़्यादा लोग थे, बहुत ज़्यादा लोग थे कि मतलब मुझे सोचना पड़ा कि मैं अंदर जाऊं या नहीं जाऊं। लेकिन हाँ, फिर भी मैं गई थी और पापा जी ने मुझे छोड़ दिया था उसके बाद। और ये देखिए, रोड पे आज के दिन लोग परिक्रमा भी बहुत करते हैं और मौसम भी थोड़ा सुहाना सा था, तो परिक्रमा वाले लोग पूरा ट्रैक्टर ट्रॉली में, बसेस में सब भर भर के आते हैं। जबकि इतना अच्छा, मतलब प्रशासन ने इतना अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है वृंदावन में कि बड़ी गाड़ियां अंदर नहीं आ सकती हैं, फिर भी कुछ न कुछ जुगाड़ करके लोग आ जाते हैं। और ये है कृपालु जी महाराज मार्ग, और इसी रास्ते पे है प्रेम मंदिर। तो इस तरीके से गेट बना हुआ है, क्योंकि प्रेम मंदिर की जो जन्माष्टमी होती है बहुत ही स्पेशल होती है। जब से प्रेम मंदिर बना है तब से जन्माष्टमी बहुत ही अच्छी होती है, वहाँ की झांकियाँ बहुत सुंदर होती हैं। सबसे अच्छी चीज़ है कि वहाँ इतना बड़ा प्रांगण है कि लोग जाके पूरे टाइम वहाँ बैठे रहते हैं और आनंद लेते हैं भगवान के संकीर्तन का, साथ में अच्छे अच्छे मनोहर दृश्य का। क्योंकि बहुत सारे मेरे वीडियोस हैं, आपने अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा। और वहाँ पे कितनी सुंदर सुंदर झांकियाँ बनती हैं, ये भी मैंने बहुत बार आप लोग के साथ शेयर किया। आज की झांकी भी मैंने आपके साथ कल शेयर की थी, कुछ पार्ट शेयर किया था, क्योंकि बहुत भीड़ की वजह से मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी। भीड़ का आलम देखिए, हम पहुंच गए हैं प्रेम मंदिर के गेट पे, और यहाँ पे जो आलम है उसको तो देख के लगता है कि वाह, कैसे अंदर जाऊंगी मैं। तो बस मैं अपनी 6 लेयर मास्क और सैनिटाइज़र और ठाकुर जी के भरोसे मैं भी जा रही हूँ। प्रशासन ने इतना अरेंजमेंट किया हुआ है, हर जगह बताया जा रहा है कि नहीं, आप बिना मास्क के एंट्री नहीं कर सकते हैं। और मंदिर के अंदर तो बिना मास्क की एंट्री नहीं थी, बहुत सारे लोग वापस भी जा रहे थे। गांव के लोग जो आए थे वो कह रहे थे कि हम रुमाल बांध लें, गमछा बांध लें, लेकिन वो अलाउ नहीं कर रहे थे कि जब तक आप मास्क नहीं पहनेंगे। मास्क दे भी रहे थे वो लोग, लेकिन इतनी ज़्यादा पब्लिक थी तो मुश्किल हो रही थी, और भीड़ को भी कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। जब ठाकुर जी, बिहारी जी, भगवान की बात आती है ना, तो लोगों का दिमाग नहीं काम करता है, लोग सब कुछ एक तरफ कर देते हैं और बस अपने लाला को याद रखते हैं। तो चलिए देखिए आलम इसका क्या है, और प्रेम मंदिर कितना खूबसूरत है। मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो ज़रूर चेकआउट करिएगा। तो जैसे ही प्रेम मंदिर के गेट पे हम एंटर करते हैं, सबसे पहले हमको लेफ्ट साइड में मिलती है कालिया नाग वाली लीला, और नीचे बहुत ही खूबसूरत लिखा हुआ है श्री गुरुवे नमः। तो और मंदिर की छवि और पब्लिक देख के ही अंदाज़ा लगा लीजिए आप कि क्या आलम है, मतलब कि बहुत ही खूबसूरत मंदिर लग रहा है। हल्के हल्के बादल हो रहे हैं और संकीर्तन भजन चलता ही रहता है हमेशा, तो वो जो एक माहौल होता है ना, बहुत ही खूबसूरत, आपको बिल्कुल मतलब एकदम वहाँ पे ही आप लीन हो जाएंगे। और सब लोग वीडियो बनाने में लगे हुए हैं, एकदम वीडियो फोटो सब चल रहा है, शूट करने में तो लोग आजकल मतलब मोबाइल लेके बस
अभी भी यहाँ बारिश हो रही है हल्की हल्की, तो बाहर की आवाज़ थोड़ी थोड़ी आ रही होगी आपके पास। तो अभी मैं हूँ शू, जहाँ पे शू रखते हैं, और पीछे की तरफ गारमेंट्स की शॉप है, इधर साइड में प्रसाद की शॉप है, और साइड में ही वहाँ पे आपको सारा पूजा का सामान, पूजा की सामग्री मिलती है। और सामने की तरफ मंदिर है, और दूसरे साइड में लगी हुई हैं झांकियाँ। तो झांकियों में ये वाली झांकी बहुत ही खास है, क्योंकि पूतना की इस तरह की झांकी सबसे पहले प्रेम मंदिर में ही बनना शुरू हुई। अब तो हर और भी जगह भी बनती है, मैं आपके साथ और भी शेयर करूंगी अभी। तो बस देखिए, ये झांकियाँ देखने के लिए इतनी भीड़ थी कि पूछो मत। तो बहुत ही स्पेशल है प्रेम मंदिर की जो जन्माष्टमी होती है। अंदर तो भगवान जी हैं ही, ठाकुर जी हैं ही, बाहर भी बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है, हर जगह इतने खूबसूरत। और ये इन कान्हा को देख के कौन नहीं मोहित हो जाएगा इन पर, इतने खूबसूरत, इतने खूबसूरत। और ये झूला झूलते हुए, झूला की लीला है यहाँ पे ठाकुर जी की, तो बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। और जन्माष्टमी के दिन तो हर चीज़ बहुत ही अच्छी लगती है, एक अंदर से जो भाव आता है ना, वो बहुत अच्छा होता है। तो बस सब लोग वीडियो बना रहे थे, को पता नहीं, यूट्यूबर नहीं थे लेकिन फिर भी बना रहे थे। मैं भी जब यूट्यूब पे नहीं थी तब भी मुझे शौक था, और तब भी मैं बनाती थी। तो बहुत पब्लिक है, बहुत पब्लिक है यहाँ पे। शाम के टाइम प्रोग्राम भी होता है, जैसे कि रास होता है उसका प्रोग्राम होता है, तो लोग आते हैं पूरा शाम को आराम से। तो मैं सुबह गई थी तो मुझे लगा कि कम भीड़ मिलेगी सुबह मुझे, इसलिए मुझे मॉर्निंग में जाना चाहिए। लेकिन जब वहाँ पहुँचे तो पता चला कि सुबह भी कम भीड़ नहीं है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। और मेरे साथ हो गया था एक हादसा, मैं शाम को भी कल गई थी, लेकिन शाम को जब मैं गई तो मेरा फ़ोन वहाँ पर डिस्चार्ज हो गया। और क्या आलम था मैं शब्दों में नहीं बता सकती हूँ, बस ये समझ लीजिए कि उतरने की जगह नहीं थी, गाड़ी भी रेंग रेंग के चल रही थी, स्कूटर भी, तो बहुत ही मुश्किल से। और बाहर देखिए गेट के बाहर का भी नज़ारा, तो देखिए अगर वृंदावन आ रहे हैं त्योहारों पे तो ये सब झेलने के लिए तैयार रहिए। ख़ासतौर से अगर अभी कोविड के टाइम पे आ रहे हैं तो बहुत ही प्रिकॉशंस के साथ आइए। तो सब कुछ एकदम भरा भरा था, मतलब कहीं भी पैर रखने की जगह नहीं होती है अगर आप वृंदावन में त्योहारों पे हैं। राधा अष्टमी तक ऐसे ही आलम रहता है, वैसे तो हर त्यौहार पे ही बहुत भीड़ होती है। और आज भी, आज मतलब कि नंदोत्सव के दिन गोवर्धन लोग जाते हैं, बरसाना जाते हैं, नंदगांव जाते हैं, तो बहुत भीड़ होती है वहाँ पे। वृंदावन में तो हमेशा ही भीड़ होती है, त्योहारों पे खास तौर से होती है। तो उम्मीद करती हूँ ये जन्माष्टमी के दिन का वृंदावन का जो वीडियो है कि क्या आलम होता है वृंदावन में, ब्रज में, भगवान के धाम में जन्माष्टमी के दिन, आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जन्माष्टमी अगर आप आने का सोच रहे हैं तो इस भीड़ को, इस वीडियो को देख के तब समझ के तब आइएगा। और अगर आप शांति में देखना चाहते हैं तो कभी भी आइए, शांति यहाँ नहीं मिलती है, सब कुछ मिल जाता है, मतलब ठाकुर जी जहाँ होंगे वहाँ शांति कैसे हो सकती है। तो बस मिलिए नंद के लाला से, आज नंदोत्सव है, सबको नंदोत्सव की बहुत बहुत बधाई। सब लोग यशोदा और नंद लाला के बेटा हुआ है उसकी बधाई दे रहे हैं, तो आपको भी बधाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही मेरे वीडियोस देखते रहिए और लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। थैंक यू, राधे राधे।